हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम माइक्रोबायोलॉजी में हमारे जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन होता है। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्ट्रेप्टोकोकाई आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज इन चेन्स और पेयर्स। हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है ये हमारा ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे कोकाई होते हैं, कोकस जो हमारे स्पेसिफिक शेप स्फेरिकल शेप के हमारे होते हैं ये बैक्टीरियाज, ये हमारे चेन्स में या फिर पेयर्स में, मतलब या तो टू टू के पेयर्स में या फिर एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस। नॉर्मली हमारी बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकाई कई सारी लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी के एक नॉर्मल बैक्टीरिया से नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, इनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस कॉजिंग पायोजेनिक इन्फेक्शंस विद द कैरेक्टरिस्टिक टेंडेंसी टू स्प्रेड। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई का टाइप होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ये हमारा सबसे ज्यादा मतलब पाया जाता है और ये हमारा कॉज करता है पायोजेनिक इन्फेक्शंस। और इन इन्फेक्शंस की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड कर सकते हैं और एक इंडिया से दूसरे इंडिया में भी जाएंगे स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगला, जैसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा जो प्रेजेंट है हमारे बैक्टीरियाज वो पूरे चेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर बीच में एक सेंटर में देख सकते हैं वो पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमारे या तो ये पेयर्स के फॉर्म में मिलेंगे या फिर ये हमारे चेन्स के फॉर्म में मिलेंगे, जैसा इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो कौन कौन से बेसिस पे कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकाई हमारा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दो टाइप में जाता है, पहला एरोब्स, दूसरा ऑब्लिगेट एनएरोब्स। हमारा जो एरोब्स होता है इसमें हमारा फैकल्टेटिव एनएरोब्स भी आते हैं, दोनों एक ही में, क्योंकि जो फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोनों तरीके के हम आते हैं। अब हमारा हीमोलाइसिस के बेसिस पे ये तीन टाइप में डिवाइडेड होता है, अल्फा हीमोलाइटिक, बीटा हीमोलाइटिक, गामा हीमोलाइटिक, ठीक है। हीमोलाइसिस के बेसिस में तीन टाइप में डिवाइड, अल्फा हीमोलाइटिक, बीटा हीमोलाइटिक, गामा हीमोलाइटिक। सबसे पहला हमारा अल्फा हीमोलाइटिक। अल्फा हीमोलाइटिक को हम विडेंस ग्रुप भी बोलते हैं, क्लासिफाइड इनटू स्पीशीज बाय फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। और ये सब स्पीशीज में डिवाइड किए जाते हैं अपने फिजियोलॉजिकल अपियरेंस और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है। सेकंड आता है बीटा हीमोलाइटिक, ये इसे हम बोलते हैं हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। सीरोलॉजिकल ग्रुपिंग पॉलीसेक्राइड सी, इस पे हमारा जो मतलब जो कार्बोहाइड्रेट सी होता है उसके बेसिस पे से डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें हमारे टोटली 20 टाइप्स के ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब ये हमारे टोटल 20 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम जो इनका क्लासिफिकेशन होता है उन्हें हम लैंसफील्ड ग्रुप बोलते हैं। हमारा ग्रुप हमारे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तीसरा हमारा आएगा गामा हीमोलाइटिक। गामा हीमोलाइटिक द एंटेरोकोकस ग्रुप क्लासिफाइड इनटू स्पीशीज बाय फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। गामा हीमोलाइटिक में हमारे स्पेशली एंटेरोकोकस ग्रुप या एंटेरोकोकाई आ जाते हैं। वो सब स्पीशीज हमने फिजियोलॉजिकल बेसिस और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सब स्पीशीज में डिवाइड किया जाता है। और सेकंड हमारा मेन टाइप आ जाता है ऑब्लिगेट एनएरोब्स, जिसमें हमारा आ जाता है पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई। ये हमारे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया स्ट्रेप्टोकोकाई का। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस अ ग्रीनिश डिस्कलरेशन अराउंड द कॉलोनीज। इसका मतलब ये जो हमारे अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जहां पे अपनी कॉलोनी बनाते हैं उसके सराउंडिंग में हमें ग्रीन कलर का डिस्कलरेशन में देखने को मिलेगा। ग्रीन कलर की हमें कलर ग्रीन कलर की कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। सेकंड, दीज आर नोन एज विडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। हम अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस को विडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से भी जानते हैं, विडेंस, VIRIDANS, विडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से भी जानते हैं।
द अल्फा स्ट्रेप्टोकोकस आर नॉर्मल कॉमनशल्स इन द थ्रोट बट मे ऑल्सो कॉज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। हमारे जो अल्फा स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं हमारे मेनली जो नॉर्मली हमारे थ्रोट में मिलता है बट ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, अगला है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। इट प्रोड्यूसेस अ शार्पली डिफाइंड क्लियर जोन ऑफ हीमोलाइसिस विद इन विच रेड सेल्स आर कंप्लीटली लाइस्ड। इसका मतलब यह है हमारा बीटो हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं इसमें ट्रूली हमारे सेल्स का ब्रेकडाउन या लाइसिस होता है। इसमें हमें जिस एरिया में लाइसिस होता है हमें वो जोन भी देखने को मिलता है जिसे हम जोन ऑफ हीमोलाइसिस बोलते हैं। द टर्म हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रिक्टली अप्लाइज टू बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेन्स। और हमारा जो हीमोलाइटिक वर्ड है वो स्पेशली और परफेक्टली हमारे बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के लिए ही बना है, ये डायरेक्टली इसी पे अप्लाई होता है क्योंकि ट्रूली हमारा जो जोन ऑफ हीमोलाइसिस है वो सिर्फ इसी में देखने को मिलता है। अगला है गामा स्ट्रेप्टोकोकस। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। हम गामा स्ट्रेप्टोकोकस को नॉन हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई भी बोलते हैं और ये हमारा किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं लाता है मीडियम में और इसमें हम मेनली इन्वॉल्व करते हैं एंडरोकोकस ग्रुप के बैक्टीरियाज को। ठीक है, अब हम देखते हैं मेडिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम यहाँ पे कुछ स्ट्रेप्टोकोकाइज को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए मेडिकली इंपॉर्टेंट है और इसके बाद के हम वीडियोस में अच्छे से डिस्क्राइब करके डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकाई को जो दो से तीन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट में अभी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई को डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वह है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस। इसका जो लैंसफील्ड ग्रुप आता है उसे हम बोलते हैं ए ग्रुप। जो ये हीमोलाइसिस करता है वो है इसका बीटा। जो हीमो हैबिटेट है इसका वो है थ्रोट एंड स्किन। ठीक है, लैबोरेटरी टेस्ट जो हम करते हैं इसकी कंफर्मेशन की वो हमारा होता है बैक्सीट्रेसिन सेंसिटिव टेस्ट, PYR पॉजिटिव टेस्ट, राइबोस नॉट फर्मेंटेड। ठीक है, डिजीज कौन कौन सी ये कॉज करता है, ये हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, पायोडर्मा कॉज करता है, रोमैटिक फीवर कॉज करता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकता है। ये हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस का हो गया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टेसी, इसका जो हमारा लैंसफील्ड ग्रुप है वो बी है, इसका भी हीमोलाइसिस बीटा होगा। जो हैबिटेट है वो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट और रेक्टम। जो लेबोरेटरी टेस्ट मेनली होता है इसके लिए वो है CAMP टेस्ट और हिप्यूरेट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और जो डिजीजेस कॉज कर सकता है वो है न्यूनेटल मेनिनजाइटिस और सेप्टिसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेप्टोकोकस एपिमिलिस। इसका जो हमारा लैंसफील्ड ग्रुप है वो है सी, हीमोलाइसिस भी इसका बीटा होगा, हैबिटेट हमारा इसका जो है नॉर्मल प्रेजेंट यहाँ पे यह होता है, ये थ्रोट में होता है। लैबोरेटरी टेस्ट जो हम इसके लिए करते हैं वो होता है राइबोज एंड ट्रिहलोज फर्मेंटेशन टेस्ट। और जो डिजीजेस हैं वो है फेरिंजाइटिस एंडोकार्डाइटिस। फेरिंजाइटिस हमारा फेरिंक्स का इन्फ्लामेशन, एंडोकार्डाइटिस मतलब हमारी हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस एंगिनोसस। ठीक है, इसका जो लैंसफील्ड ग्रुप है वो है ACFG। ये चार लैंसफील्ड ग्रुप पे बिलोंग करता है ACFG। ठीक है, जिसका हीमोलाइसिस है वो बीटा मेनली है बट ये अल्फा एंड गामा भी इन्वॉल्व करता है। जिसका हैबिटेट है वो थ्रोट, कोलन, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ये तीन जगह मेनली है। और जो लेबोरेटरी टेस्ट हम करते हैं इसके लिए वो PYR नेगेटिव, ग्रुप ए बैक्सीट्रेसिन रेजिस्टेंट, ये मेनली दो टेस्ट इसके लिए करते हैं। और डिजीज जो ये कॉस्ट करता है उसे हम बोलते हैं पायोजेनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है एंटरोकोकस स्पीशीज। इनकी लेंसफील्ड ग्रुप आएगी डी, हीमोलाइसिस इसका जो होगा वो गामा होगा मेनली। ठीक, हैबिटेट जो होगा वो कोलन होगा, लैबोरेटरी टेस्ट जो हम करते हैं वो ग्रोथ हमारा जो होगा ग्रोथ इन 6.5% NaCl और सेकंड PYR पॉजिटिव। डिजीजेस जो ये कॉज करेगा वो होगा हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, एंडोकार्डाइटिस होगा, सेपरेटिव इन्फेक्शन होंगे, ये मैंने इतनी चीज़ें कॉज करता है। लास्ट हमारा अब है वेडेंस स्ट्रेप्टोकोकस।
इसका जो लेंसफीड ग्रुप हुआ वो भी डिटरमाइन नहीं किया गया है। हिमोलाइसिस मेनली अल्फा है। हैबिटेट माउथ कोलन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होगा। लेबोरेटरी टेस्ट इसका ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट टेस्ट होगा। डिजीजेस जो इसकी होगी वो एंडोकार्डाइटिस, डेंटल कैरीज, ये मेनली दो डिजीजेस जो कॉज करता है। ठीक, आज के सेशन में हमने टोटली डिस्कस स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में, उसके बाद हमने कुछ उसका क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने कुछ मेडिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।